हूं आपके साथ सेजल, इस वक्त की बड़ी खबर। चंपावत जनपद के पाटी थाना पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पाटे पुलिस टीम के द्वारा आज पाटी के कानवाड बैंड से 9 किलो 700 ग्राम चरस के साथ एक अभियुक्त गणेश गिरफ्तार। आपको बता दें, चंपावत पुलिस द्वारा मादक पदार्थों की रोकथाम के लिए लगातार प्रयास जारी है, जिसके तहत पाटी पुलिस द्वारा आज एक अभियुक्त को गिरफ्तार भी किया गया, जिसके कब्जे से 9 किलो 700 ग्राम चरस बरामद किए गए हैं। चंपावत पुलिस द्वारा इस साल अभी तक रिकॉर्ड 87 किलो चरस बरामद किए गए हैं, जो कि एक रिकॉर्ड है। इससे पूर्व 2008 में सबसे अधिक 82 किलो चरस चंपावत पुलिस द्वारा बरामद की गई थी। चंपावत पुलिस अधीक्षक का कहना है कि पकड़े गए आरोपी गणेश सिंह ने पूछताछ में बताया है कि वह इस चरस को नैनीताल, दिल्ली सहित अन्य बड़े शहरों में बेचने के लिए ले जा रहा था। अभियुक्त ने बताया कि चरस कुछ मात्रा में अभियुक्त द्वारा खुद बनाई गई थी और कुछ अपने गांव से खरीद कर दिल्ली बेचने जा रहा था। इस बीच अभियुक्त के खिलाफ पुलिस द्वारा मुकदमा दर्ज कर न्यायालय में पेश कर आरोपी को जेल भेज दिया गया है। चंपावत पुलिस के द्वारा थाना पाटी क्षेत्र से एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से कुल 9 किलो 700 ग्राम चरस बरामद की गई है। चरस बरामदगी में चंपावत पुलिस के द्वारा इस वर्ष सबसे ज्यादा पिछले वर्षों की अपेक्षा चरस की बरामदगी की गई है। कुल चंपावत पुलिस के द्वारा 87 किलो 500 ग्राम चरस अभी तक बरामद की गई है।